मशीन पे जूम ज़्यादा करना, ठीक है, जब मैं मशीन पर आ रहा हूँ, ये मशीन की अगर हम बात करें तो ये कार लाइनर कंपनी का सबसे अच्छा डेंट ड्रायर है, ठीक है। इसको अच्छा करने के पीछे कुछ रीज़न ये है कि इस प्रोडक्ट में आपको एक एश्योरिटी मिलता है कि प्रोडक्ट 100% अच्छा है। अब प्रोडक्ट अच्छा होने से ही नहीं होता, आपको उसका यूज़र गाइड को पता होना चाहिए कैसे उसको यूज़ करना है। प्रोडक्ट से आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस अगर लेना है तो आपको उसका पूरा प्रिंसिपल पता होना चाहिए कैसे ये काम करता है, ठीक है। अगर मैं इस मशीन की बात करूँ, इसका नाम CR35 डेंट कूलर है। तो ये जो डेंट कूलर है ये एक सिंगल फेज का डेंट कूलर है, मतलब डोमेस्टिक जो लाइन है उस पर भी ये काम करेगा। सिर्फ आपको 16 एम्पीयर का इसमें MCB लगाना है, ठीक है। 16 एम्पीयर का MCB लगाना है। इसका रेटेड वोल्टेज जो एम्पीयरेज है वो 35 एम्पीयर का है ना, ओके। CR35 लिखा हुआ ना। अब हम बात करते हैं इसका इंटरफेस की, इसका होम पेज की बात करते हैं। ये इसका सेटिंग है, बेसिक सेटिंग है। इस मशीन में आप 1, 2, 3, 4, 5 तरह का जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस पहला वाला निशान की बात करूँ, आप इसको अगर ध्यान से देखें, देखिए कैसा दिखने में यार्थिंग वाला बोल रहा है। मैं दिखाऊँ अगर आपको, देखिए पिक्चर में देख के समझिए, ठीक है। ओके, बीच में आओ भाई, सामने में आ जाओ, इसके साथ सामने में आ जाओ, ओके, क्लियर। तो अर्थिंग को हम जो लगाएंगे तो करंट हमारा जो सेटिंग करेंगे यहाँ पर करेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये अर्थिंग का पॉइंट है, मतलब अर्थिंग लगाते समय हमको करना पड़ेगा। करने का तरीका क्या, अर्थिंग लगाने का, इसको जहाँ पर हम अर्थिंग लगाएंगे टच करेंगे और उसके बगल में ही सेम पार्ट पे जो डेंट कूलर का जो मुँह है ना उसे टच करेंगे। जैसे टच करेंगे वो वहाँ वेल्ड हो जाएगा, ये जाके फिर इसको आप ढीला करके, ऐसे ये अगर वेल्ड हो गया यहाँ पर, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे जाके टाइट हो गया तो अच्छा से पकड़ लेगा, ग्रिप कर लेगा, ओके। तो इस तरह से अर्थिंग, अभी अर्थिंग में करंट का सेटिंग की बात करते हैं। अगर आप ध्यान से इस सेटिंग को देखो, इसका ये ऐसे पैरामीटर बना हुआ है, मतलब सिर्फ अर्थिंग की बात कर रहा है। देखो पहले आपका ग्रीन हुआ सर, फिर पीला हुआ, फिर ऑरेंज हुआ, फिर रेड हुआ सर, ठीक है। तो ग्रीन का मतलब है ऑप्टिमम करंट, मतलब जो एक्यूरेट करंट इसको चाहिए उतना ही करंट है। लेकिन कभी कभी सीट कभी कभी मोटा होता है तो वहाँ पर हमें करंट को बढ़ाना पड़ता है। तो सीट जब अर्थिंग कर रहे हैं, हरा पे रखे, टच किया, फिर अर्थिंग खुल जा रहा है, बार बार अर्थिंग खुल जा रहा है, इसका मतलब प्रॉपर ये वेल्ड हुआ नहीं। तो क्या करेंगे, हम करंट को थोड़ा बढ़ा के वापस अर्थिंग को लगाएंगे। अर्थिंग लगाने का तरीका क्या है, मेटल पर टच करेंगे, सेम मेटल पर डेंट कूलर से यहाँ बाजू में टच करेंगे तो ये वेल्ड हो जाएगा, ओके। तो वेल्ड हो गया, फिर इसको ढीला करके ऐसे करके मेटल पर टाइट कर देंगे, ठीक है, ओके। करंट यहाँ पर रेंज दे दिया है, ग्रीन मतलब कम करंट, पीला मतलब थोड़ा ज़्यादा करंट, ऑरेंज मतलब उससे ज़्यादा करंट, रेड मतलब डेंजर हो गया। रेड पर जल्दी नहीं जाना चाहिए, रेड पर जाने का मतलब ही है करंट वाला मशीन में, जितना भी मशीन है ना अगर उसमें रेड मार्क कुछ दिया हुआ है पैरामीटर में, इसका मतलब वो डेंजर है। उस केस में मशीन आपका माल फंक्शन भी हो सकता है, इंटरनल बर्निंग हो सकता है, इसलिए कभी भी रेड पर नहीं जाना है सर, ठीक है। अब आते हैं इस पर, ये निशान डेंट कूलर लिखाइए, इसको कैसे खोलेंगे, इसको अलग से, इसका नाम क्या है, डेंट कूलर पूरा सिस्टम है, इसका नाम है मल्टी गन। मल्टी गन मतलब क्यों, क्योंकि इससे इस गन से आप एक से ज़्यादा सेटिंग नया काम कर सकते हैं। बच्चा एकदम टाइट करेंगे सर, हैंड टाइट होगा ना। अभी देखिए ध्यान से, अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये पिक्चर और ये पिक्चर ये जैसा है ना, देखिए यहाँ भी एक नॉट है, ये नॉट है, ये बड़ा वाला हो गया ना, ये थ्रेड टाइप का, देखिए ये थ्रेड है, हेक्सागन होता है ना, हेक्सागन वो शेप में है, देखिए ये भी हेक्सागन शेप में है। तो ये वाला जो सेटिंग है ये आपका डेंट, ये डेंट कूलर पूरा असेंबली का नाम है डेंट कूलर, ठीक है। ये वाला जो सेटिंग दिख रहा है आपको सर, इधर भी ध्यान दीजिएगा, ये सर सामने थोड़ा जाइए प्लीज, ये जो सेटिंग है, ये जो सेटिंग है, ये सेटिंग है आपका डेंट कूलर का सेटिंग। डेंट कूलर में आप क्या करेंगे, आप डेंट कूलिंग करना है हमको, तो आर्थिंग लग गया, अभी हम डेंट कूलिंग करेंगे। तो हमेशा पहले, क्योंकि ये मैनुअल मशीन है, आपको पहले ग्रीन पर रखना है, ग्रीन पर टच करेंगे कूल कर रहे हैं, अगर आराम से आ गए कूलिंग ओके तो ग्रीन पर ही काम करेंगे हम। लेकिन कभी कभी मोटा सीट है तो उस केस में हमें करंट तरफ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रीन से हम येलो की तरफ गए, फिर कूलिंग करेंगे, देखिए हो गया, तो आपका पक्का ये ग्रीन से येलो के बीच में हो जाएगा, है ना। तो आप आराम से फिर कूलिंग कीजिए, ऑरेंज या फिर रेड की तरफ जल्दी ले जाना पड़ता है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं, तो ये क्या है, डेंट कूलर का मतलब ये कूलर से जब कूलिंग करेंगे तो हमको इस करंट का सेटिंग इसके बीच में रखना है, ठीक है, ओके सर। अभी इससे हम इसमें आते हैं, इसका पिक्चर देखिए चेंज हो गया ना, ठीक है।
इसमें कोना धार निकला हुआ ऐसे भी टाइप का बना हुआ है, लेकिन इसमें क्या है पूरा फ्लैट है। फ्लैट के कहाँ पर है ये, इसको ऐसे ढीला करेंगे, इसको ऐसे ढीला करेंगे, ढीला करके इसको ट्विस्ट कर देंगे इचला के अंदर में, ठीक है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, नो अदर कंपनी, किसी और कंपनी में ये सेटिंग नहीं दिया है। इसमें एडवांटेज क्या है, मैक्सिमम दूसरा मशीन में देखोगे आप, ये वाला आपको पूरा गन खोलना पड़ेगा और फिर अलग से लगाना पड़ेगा इसमें, ये वाला। लेकिन इस मशीन में ड्यूटी क्या है, इसी सेटिंग में इसको दे दिया है, सिर्फ इसको आप इसको घुमा के ढीला कीजिए, घुमा के यहाँ से ड्रेन कूलिंग में चले जाओगे, फिर यहाँ से इसमें आ जाओगे। तो ये क्या है, दिखने में किस रंग का है, क्या है मटेरियल लग रहा है आपको, कॉपर का है ना। ये जो प्रोसेस है ये है ना, ये फ्लैट देखिए, ये फ्लैट आ गया ना, पीछे से पीछे मिस कर रहा है, मतलब ये वाला काम करेंगे तब हमको ये वाला चीज़ लगाना है। इसके लिए सेटिंग ये वाला होगा करंट का, है ना। फिर ग्रीन से शुरू करेंगे हम, हमेशा कम करंट से शुरू करते हुए हम ज़्यादा करंट पे सब जाएंगे सर, ठीक है। तो ये है क्या, ये हुआ सर कि जब डेंट कूलर से पुलिंग करेंगे ना, तो पर्टिकुलर एक मुंह निकल जाता है ना, एक एक मुंह निकल जाएगा ज़्यादा जोर से मार देने पर, बहुत को आइडिया नहीं होता कितना डालना है, तो डैमेज कितना गया उसके हिसाब से हमारे हाथ का फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। अगर कम गया, मैंने जोर से मार दिया था, क्या होगा, ज़्यादा आ जाएगा ना, तो ज़्यादा आ गया तो उसको ठीक करना पड़ेगा ना, ओके। तो उसको ठीक करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसका नाम है कॉपर स्टैम्पिंग सर। ये जो प्रोसेस है कॉपर स्टैम्प, स्टैम्प क्या होता है, ऐसे दबाया ना, दबाने से क्या होता है, छाप आ जाता है उस पर ना, इसको जब दबाओगे ना, जो जो मुख निकला है ना वो अंदर की तरफ बैठ जाएगा। तो ये वाला जो है ये है कॉपर स्टैम्पिंग। तो डेंट कूलिंग से जो मुख निकल जाता है उसको दबाने के लिए, उसको लेवल करने के लिए हम लोग कॉपर स्टैम्पिंग यूज करते हैं, क्लियर है ना। हर मशीन में ये दिखने में छोटा बड़ा, साइज में थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन काम सेम है, ओके, क्लियर हुआ। इसमें भी हरा है करंट तो कम करंट, पीला है तो थोड़ा ज़्यादा करंट, अगर ऑरेंज हो गया तो उससे ज़्यादा करंट, और येलो सॉरी रेड हो गया मतलब ज़्यादा करंट, उधर में जाना नहीं है, रेड में एकदम सब नहीं जाना है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से हम आते हैं इसमें, तो आप इस मशीन में इसका काम खत्म है, ठीक है। तो ये तीन सेटिंग आपका बाहर में था, एक आपका कॉपर स्टैम्पिंग हो गया, ये हो गया डेंट कूलर का, और ये वाला हो गया आपका आर्थिंग का, है ना, ठीक है। देखिए डेंट कूलर, आर्थिंग, कॉपर स्टैम्पिंग, तीन का काम हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं, जब नेक्स्ट जाएंगे तो ये देखिए पीछे थोड़ा अलग है ना, क्या है ये सर, बॉक्स के लिए गन का हैंड टाइट है सर, एक बार ध्यान, इसको खाली हैंड टाइट करना है और रेंज से करेंगे ना, सिर्फ हल्का हाथ से सर, फोर्सफुली नहीं, जहाँ पर रेंज रुक जा रहा है छोड़ देंगे हाथ को, ये रुक गया छोड़ देंगे, अब नहीं चलेंगे, हाँ ठीक है। इससे क्या होगा ना, ये थ्रेड खराब नहीं होगा आपका, 10 साल 20 साल भी ना मशीन ऐसे ही रहेगा, जल्दी खराब नहीं होगा। अब देखो आप पिक्चर को, काला काला मिल गया है ना, क्लियर है। देखिए जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो लोग पिक्चर देख के भी समझ जाएंगे वो क्या काम करना है, अगर पढ़े लिखे हैं तो उनका वाहवा ही, वो तो फटाफट देखेंगे समझ जाएंगे क्या करना है। तो ये जो प्रोसेस है ये है कार्बन रॉड, जो मैंने आपको क्लास में बताया है ना, कार्बन रॉड प्रोसेस। कार्बन रॉड क्या होता है, जब बड़ा एरिया में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाता है ना, जो लपलप बन बता रहा था, और अगर सीट खुल गया, स्ट्रेस आ गया उसमें, तो स्ट्रेस को ठीक करने के लिए और जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है उसको ठीक करने के लिए हम लोग कार्बन रॉड यूज करते हैं, ओके। यहाँ भी अगर ऐसा परिस्थिति आया तो हम लोग कर देंगे। जनरली ये कब कब आता है, जिस गाड़ी में सीट का थिकनेस बहुत पतला यूज होता है वो गाड़ी में ज़्यादा समस्या आता है, तो उसको ठीक करने के लिए, तो स्ट्रेस को और पैनल का फ्लेक्सिबिलिटी को ठीक करने के लिए सर हम लोग कार्बन रॉड का इस्तेमाल करते हैं, ओके, क्लियर है। इसमें भी अगेन वही बात है, देखिए यहाँ हरा से शुरू हुआ तो हम हमेशा कम करंट रखेंगे, तो कम करंट रख के हम टच करेंगे मेटल को, अगर यहाँ पर स्पार्क बनना है तो ओके, नहीं बनना है हम करंट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, पीला ले जाएंगे, ठीक करेंगे, देखेंगे हो गया। लेकिन कभी भी रेड पे नहीं जाना है, रेड या फिर ऑरेंज पे नहीं जाना, हमेशा पीला में आपका काम हो जाएगा, येलो मार्क जो है ना वहाँ तक आपका काम हो जाता है, ओके, क्योंकि नया मशीन है ना, मशीन पुराना होगा फिर आपको बढ़ाना पड़ सकता है, ओके। तो ये हो गया आपका कार्बन रॉड का, ठीक है। तो चार काम कंप्लीट हो गया, पहला है अर्थिंग का पॉइंट, दूसरा है आपका डेंट कूलिंग का, तीसरा है कॉपर स्टैम्पिंग, और चार नंबर है कार्बन श्रिंकिंग, ओके। अब आते हैं पांच नंबर, देखिए पांच नंबर बॉक्स में जो है उसमें तीन पिक्चर दिया हुआ है ना,
तुम्हें ठीक रहा है ठीक है, इसको हटा देते हैं ठीक रहा है ठीक है। दिख रहा है वाला क्लियर है। अब आते हैं कि ये क्या हमारा ऑटोमोबाइल में यूज होगा। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी मशीन का जब निर्माण करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो कभी भी किसी एक ब्रांड को देख के नहीं बनाता है। नहीं तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। वो अपना एक ही मशीन में मल्टीपल सेटिंग दे देता है। अब जिसको जिस इंडस्ट्री में है वो उसमें काम करेगा। तो हमारा काम जो है ये चार में हो जा रहा है, इसका ज़रूरत हमें हमारा इंडस्ट्री में नहीं पड़ता है। ओके क्लियर है। लेकिन ये दूसरा इंडस्ट्री वालों इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके इसको बोलते हैं कोटेड वायर, इसको बोलते हैं बोल्ट। ठीक है, ये बोल्ट हो गया और ये एक तरह का रिबिट है। ये रिबिट कैसा है, ये हीट पे काम करता है। दो सीट को बीच में इसको लेकर दबा दीजिए, दोनों सीट को बेल्ट करके एक कर दीजिए। रिबिटिंग में होता है ना, दोनों सीट को जोड़ देता है, वही सेम चीज़ करेगा बाय द हेल्प ऑफ हीट, जो गर्मी का सहायता लेकर। तो ये जो काम है बराबर, जो बक्सा बनाता है ना, टीम का बक्सा बॉक्स वगैरह, वो लोग इंडस्ट्री में काम आता है। ठीक है क्लियर। तो ये अदर इंडस्ट्री के लिए, हमारा ऑटोमोटिव में नहीं है। तो अगर आपको फिर भी करना है ऐसा काम, इसके लिए आपको इस पे आना है, फिर पकड़िए लेकर सीट में दबा दीजिए, पूरा गला के अंदर घुस सके, दो सीट को जोड़ देगा, वेल्ड कर देगा। ठीक है, लेकिन हमारा इंडस्ट्री का काम नहीं, इसलिए परेशान नहीं होना हमको, बट जान के रखना है। ठीक है, पहले बॉल लगाना होगा सर, बॉल लगा दो इसमें से लेना सीधा लागू, पहले हैंड टाइट करेंगे सर। चोट नहीं लगाना पाँव में, ये इसका स्विच है सर, पीछे में दिया। ठीक है, ये स्विच यहाँ से ऑन किया, वहाँ से स्विच देने के बाद ये लाइट ब्लिंक करेगा और ये आ जाएगा। ठीक है, फिर हम पहले इसमें आएंगे, सीधा सामने आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पिले में रख के इसको हम ऑटो लगाएंगे, क्योंकि ब्लिंक करते रहेगा सर। ठीक है, ट्रिगर बन जाएगा सर, ये इसके साथ चेंज कीजिए यहाँ से गिरा करके, ट्रिगर प्रेस करा घुमा दीजिए और पिला दीजिए, 180 डिग्री घुमाना इसको सीधा करके। अब इसको कैसे करेंगे, आरटी लगाएंगे सर, इसको ऐसे करना है, डाउन कर देंगे। ठीक है सर, हाँ जब बोलेंगे दबा देंगे, ठीक है सर, दबाइएगा सर ना, पहले में दबाइएगा। ये आर्थिंग वाला के लिए एक्स्ट्रा, ये आर्थिंग पॉइंट है सर, टच कीजिए। सर ये हो गया क्या? हाँ ये आठ सर हो गया। ट्विस्ट कीजिए, ट्विस्ट कीजिए हाथ को, ट्विस्ट। ठीक है, ये फ्लैश हुआ सर, क्यों बनाया यहाँ? नहीं करंट नहीं, यहाँ पेंट था इसलिए फ्लैश हुआ। ठीक है, ये ऐसे करके इसको टाइट कर दिया आर्थिंग को। ठीक है, ये टाइट हो गया आर्थिंग हमारा, लेकिन खुल गया क्यों, क्योंकि टेंशन ज़्यादा हो रहा है इसका। ठीक है, मशीन को थोड़ा सामने डाल लो सर, ट्विस्ट है, ट्विस्ट। थोड़ा सा करंट बढ़ा, थोड़ा सा करंट बढ़ा, रुक जाओ। चश्मा आया था ना? हाँ चश्मा आया था। गॉगल्स? ठीक है सर, लंग्स की और करते सर। ठीक है, ओके थोड़ा डेमो कर दे ना, जब पुलिंग करेंगे ना, एक बात ध्यान रखिएगा, पुलिंग का जो फोर्स होता है ना, चश्मा पहने जैसा थोड़ा सा जब कीजिएगा सर,
मेक श्योर करता हूँ पहले काम करना है। ये फ्लैश है ना आँख में का उड़ेगा, ठीक है? जब कूलिंग करेंगे तो हमेशा सरफेस को देख लेना, जैसे यहाँ पर एक सरफेस डाउन है, मैं एक डेमो देके जाता हूँ, ठीक है? कूलिंग करेंगे सर हमेशा 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, कूलिंग फोर्स सबसे अच्छा होता है। 90 डिग्री एंगल में खास बात क्या है कि 90 डिग्री एंगल में कूलिंग करेंगे सर तो कम मारेंगे जल्दी आ जाएगा डेमो मारे, ज़्यादा कूलिंग नहीं करना पड़ेगा हमें। ओके तो ये है, चलो टच करो। देखो फ्रिज टाइट नहीं हुआ, ठीक है? जो टिक्के था मैं और नहीं जाओ। हेलो अभी डेंट प्लर का ऑप्शन चेंज करना होगा, ठीक है सर? अर्थिंग हो गया, डेंट प्लर हो गया, हाँ ये येलो वाला, ठीक है, ठीक है सर। ये हुआ सर, ठीक है, ठीक है। ट्विस्ट खुल गया, ठीक बाहर में ट्विस्ट, अर्थिंग खुल गया सर, ठीक है। अर्थिंग चेंज कर, झटका में खुल रहा है सर, टेंशन है ना इसमें, इसीलिए पकड़ रखें सर, पकड़ ये रहा, डेंट चेंज करो, डेंट प्लेट में इसमें, इसमें डेंट बाहर से करते हो, अंदर जा रहे तो दूसरा बॉडी में अर्थिंग कर दिखा दो एक बार खाली, चलो हाथ मारिए, यहाँ पर अंदर था ना डेंट, अंदर दबा हुआ था, हाथ मारिए, हाथ इतना दूर का डेंट मैं निकाला हुआ, ठीक है ना, ठीक है। इसी तरह सब डेंट को निकालना है, बाहर से करते हुए अंदर की तरफ आना है, ठीक है। दूसरा का पेंट निकाल के हम वायर लेंस करके,